नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सुपर अपडेट्स में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म के स्टार कास्ट को इस फिल्म में काम करने के लिए कितनी फीस मिली थी और साथ ही जानेंगे कि अक्षय कुमार और सैफ अली खान में से किसे ज्यादा फीस मिली थी। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। पर दोस्तों फीस के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा इस फिल्म के बारे में भी जान लेते हैं। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी सन 1994 में आई एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार, सैफ अली खान, शिल्पा शेट्टी, राजेश्वरी लुम्बा, शक्ति कपूर, कादर खान, बीना बनर्जी, मुकेश खन्ना और जॉनी लीवर नजर आए थे। इस फिल्म को समीर मलखन ने डायरेक्ट किया था, ऐसे प्रोड्यूस किया था चंपक जैन ने और इस फिल्म की कहानी सचिन भौमिक ने लिखी थी और इस फिल्म के डायलॉग्स कादर खान ने लिखे थे और इस फिल्म की एडिटिंग सुरेश चतुर्वेदी ने की थी। इस फिल्म को कुल 210 स्क्रीन्स के साथ 23 सितंबर सन 1994 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 3,25,00,000 था और इस फिल्म ने इंडिया में 7,90,00,000 का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 50,00,000 का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 2,44,00,000 का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 14 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था और फिल्म हिट साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 6.5 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 1994 की पांचवी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक अनु मलिक ने दिए थे और इसके लिरिक्स रानी मलिक, अनवर सागर, राहत इंदौरी, माया गोविंद और हसरत जयपुरी ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 8 गाने थे और इसके सभी गाने सुपरहिट रहे थे। इस फिल्म के साउंडट्रैक एल्बम सन 1994 की चौथी हाईएस्ट सेलिंग साउंडट्रैक एल्बम रही थी और ये है उन सभी गानों के नाम। नंबर 1 चुरा के दिल मेरा, नंबर 2 जरा जरा, नंबर 3 जुबान खामोश जिसे फिल्म से बाद में हटा दिया गया था, नंबर 4 लाखों हसीन, नंबर 5 होंठों पे तेरे नाम, नंबर 6 दिल का दरवाजा, नंबर 7 माय एडोरेबल डार्लिंग और नंबर 8 मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी टाइटल सॉन्ग। और दोस्तों इन सभी गानों में से मेरा फेवरेट सॉन्ग चुरा के दिल मेरा वाला है जिसे कुमार सानू और अलका याग्निक ने गाया था। वैसे दोस्तों आपका इस फिल्म से फेवरेट सॉन्ग कौन सा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर पहले पूरा वीडियो देख लो क्योंकि अब हम जानने वाले हैं इस फिल्म के स्टार कास्ट की फीस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं बीना बनर्जी की फीस के बारे में। इस फिल्म में बीना बनर्जी ने सीमा जोगलेकर का रोल निभाया था जो कि अक्षय कुमार की भाभी रहती है और मुकेश खन्ना की पत्नी रहती है। इस फिल्म में उनका बहुत ही छोटा सा रोल था और इस फिल्म के लिए उन्हें लगभग 12,000 की फीस मिली थी। अब जानते हैं मुकेश खन्ना की फीस के बारे में। इस फिल्म में मुकेश खन्ना ने अर्जुन जोगलेकर का रोल निभाया था जो कि अक्षय कुमार के बड़े भाई रहते हैं। इस फिल्म में उनका कैमियो रोल था। वे शुरुआत में बस नजर आते हैं और फिर थोड़ी ही देर में उन्हें मार दिया जाता है। अगर फीस की बात करें तो उन्हें करीब 35,000 की फीस मिली थी। अब जानते हैं राजेश्वरी लुम्बा की फीस के बारे में। इस फिल्म में राजेश्वरी लुम्बा ने शिवांगी जोगलेकर का रोल निभाया था जो कि मुकेश खन्ना और अक्षय कुमार की बहन रहती है। राजेश्वरी लुम्बा ने अपना डेब्यू सन 1993 में आई फिल्म आंखें से किया था जो कि बॉक्स ऑफिस में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिर भी राजेश्वरी लुम्बा को आगे सफलता नहीं मिली। उन्होंने अपनी फिल्मी कैरियर में बस 6 फिल्मों में ही काम किया था और उनकी आखिरी फिल्म तुम जियो हजारों साल थी जो सन 2002 में आई थी। अगर फीस की बात करें तो उन्हें लगभग 60,000 की फीस मिली थी। अब जानते हैं शिल्पा शेट्टी की फीस के बारे में। इस फिल्म में शिल्पा शेट्टी ने डबल रोल निभाया था। उन्होंने इस फिल्म में मोना और बसंती का रोल निभाया था। ये फिल्म शिल्पा शेट्टी की तीसरी फिल्म थी और एज अ लीड एक्ट्रेस दूसरी फिल्म थी। अगर फीस की बात करें तो उन्हें इस फिल्म में काम करने के लिए लगभग 2,00,000 की फीस मिली थी। अब जानते हैं कादर खान की फीस के बारे में। इस फिल्म में कादर खान ने भी डबल रोल निभाया था। उन्होंने इस फिल्म में रामलाल और कमिश्नर लाल का रोल निभाया था। इस फिल्म के लिए उन्होंने डायलॉग्स भी लिखे थे। अगर फीस की बात करें तो उन्हें करीब 2,50,000 की फीस मिली थी
जिसमें डायलॉग्स लिखने की फीस भी शामिल है। अब जानते हैं शक्ति कपूर की फीस के बारे में। इस फिल्म में शक्ति कपूर ने गोली का रोल निभाया था और वे इस फिल्म के मेन विलन भी थे। अगर फीस की बात करें तो उन्हें इस फिल्म के लिए करीब 3 लाख की फीस मिली थी। अब जानते हैं सैफ अली खान की फीस के बारे में। इस फिल्म में सैफ अली खान ने दीपक कुमार का रोल निभाया था और ये फिल्म अक्षय कुमार और सैफ अली खान की साथ में दूसरी फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने ये दिल लगी फिल्म में काम किया था जो उसी साल रिलीज हुई थी। अगर फीस की बात करें तो सैफ अली खान को इस फिल्म में काम करने के लिए लगभग 6 लाख की फीस मिली थी। और अब अंत में जानते हैं अक्षय कुमार की फीस के बारे में। इस फिल्म में अक्षय कुमार ने करण जोगलेकर का रोल निभाया था। इस फिल्म में उनका एक अलग ही अंदाज और स्टाइल देखने को मिला था और लोगों ने उनके इस रोल को काफी पसंद भी किया था। ये फिल्म अक्षय कुमार की 1994 की चौथी हिट फिल्म थी। उसी साल उनकी सुहाग, ऐलान और ये दिल लगी फिल्म भी हिट रही थी। अगर फीस की बात करें तो उन्हें इस फिल्म के लिए करीब 15 लाख की फीस मिली थी। अब जानते हैं म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक की फीस के बारे में। इस फिल्म में अनु मलिक ने 2 गाने भी गाए थे और उन्हें लगभग 4 लाख की फीस मिली थी। अब जानते हैं सिंगर कुमार सानू की फीस के बारे में। इस फिल्म में कुमार सानू ने 4 गाने गाए थे और उन्हें करीब 2 लाख की फीस मिली थी। अब जानते हैं अलका याग्निक की फीस के बारे में। इस फिल्म में अलका याग्निक ने 4 गाने गाए थे और उन्हें इस फिल्म के लगभग 1.5 लाख की फीस मिली थी। तो दोस्तों, आपने इस फिल्म को कितनी बार देखा है और आप इस फिल्म को कितनी रेटिंग देना चाहोगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर इस फिल्म का रिमेक बनता है तो आप किन किन एक्टर्स को किन किन एक्टर्स की जगह देखना चाहोगे ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और ऐसी ही वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।